मुझे सूता की साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूवर्स के साथ भी इसके रिव्यू शेयर किया जाए, ताकि आप अगर कुछ साड़ियाँ परचेज करने की सोच रहे हैं तो इन रिव्यूज से आपको हेल्प मिले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अंदाज पल्लवी का। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बाहर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। फिलहाल मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ दो साड़ियों के रिव्यू, जो कि मैंने सूता से परचेज़ की हैं। सूता की साड़ियों के रिव्यू मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं और उन वीडियोज़ को आपने बहुत पसंद किया है। सूता की साड़ियों की क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आती है और डिज़ाइनिंग भी बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है। मैंने सूता से ये पैकेट रिसीव किया है, अभी तक मैंने साड़ी को ओपन करके नहीं देखा है। मैं आई थॉट कि क्यों ना आपके सामने अनबॉक्सिंग की वीडियो की जाए। इस बार दो साड़ियां मैंने ऑर्डर की हैं, चलिए देखते हैं दोनों साड़ियां किस तरीके की आई हैं। पैकेट इज ओपन। एक एक करके मैं आपको दोनों साड़ियां दिखाती हूँ। एक साड़ी मैंने ग्रीन कलर की ऑर्डर की है और एक साड़ी मैंने येलो कलर की ऑर्डर की है। दिस इज द फर्स्ट साड़ी विच आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज अ येलो कलर साड़ी। इन रियल दिस साड़ी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। अमेजिंग डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और साथ ही साथ इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आपको ये साड़ी में बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर वाइट कलर का आपको नीचे वीविंग की हुई है धागों की। दिस इज़ प्रॉपर हल्दी पीला कलर, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। हल्दी के फंक्शन में या आप बसंत पंचमी के टाइम पर या समर्स में बहुत ही प्यारा लगेगा ये कलर। मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। साड़ी का मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है एंड सूता की साड़ियों में जो एक ख़ास बात मुझे लगती है वो इसकी खुशबू। साड़ी में इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आती है सूता की साड़ियों में। और ये आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल आपको इस तरीके से साड़ी में ऊपर नीचे बॉर्डर बना हुआ है। साड़ी का लुक कितना खूबसूरत आने वाला है। ऊपर भी आपको बॉर्डर मिलेगा और नीचे भी बॉर्डर है। बॉर्डर की वजह से ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। दिस इज सेकेंड साड़ी। ये ग्रीन कलर की साड़ी है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी फोल्ड हो गई है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ड्रेप कितना खूबसूरत आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों साड़ियों की स्टाइलिंग वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। फिलहाल आज सिर्फ मैं आपके सामने रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये साड़ी इतनी खूबसूरत है कि खोलते खोलते ही मुझे इससे प्यार हो गया है। बहुत ही डिफरेंट लग रही है मुझे ये इसकी डिज़ाइनिंग। ओवरऑल इस साड़ी में इस तरीके का हैंड पेंट किया हुआ है एंड ग्रीन कलर के ऊपर वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट आर लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सूता की साड़ियों में जो ये टेसल्स लगे होते हैं, इससे इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है। दोनों साड़ियों में से कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस साड़ी को आप वाइट कलर के ब्लाउज़ के साथ पेयर करें तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अगर आपको इन दोनों साड़ियों की स्टाइलिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं आपके सामने वो वीडियो भी लेकर के आऊँगी। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप अगर इसी टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ।